नमस्कार दोस्तों, ये हमारा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है। इसका नाम है कूलेंट मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर। ये कूलेंट मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर ऐसा एक मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर है जो हम लोग रेगुलर वाटर कंडीशनर बनाते हैं, वैसा ही ये वाटर कंडीशनर है। अब ये हमारा भाई जो है मोकिम साहब, ये हमें दिखा रहा है कि इसको कैसा कूलेंट पाइप के ऊपर लगाते हैं। चल बेटा स्टार्ट कर। ये जो कूलेंट का पाइप है ना, ये कूलेंट का पाइप है कहीं पे भी लगा सकता है। अभी हम लोगों को यहाँ पे जगह अच्छा मिल रहा है, स्ट्रेट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। लगा। इसके बाद में इसके साथ में नायलॉन का टाई आता है, और नायलॉन का टाई से ये हमारा भाई जो है फाइनल ये कर रहा है। एक टाई काफी है, लेकिन सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीन टाई लगाते हैं। तो बाई चांस कभी बाई चांस एक दो एक आध दो टाई टूट भी गया तो भी वो अपना ये चालू रहेगा। कूलेंट वाटर कंडीशनर ये लग गया है, देखो ऐसा तीन टाई है। उसका जो ऊपर का छेड़ा है वो अभी कट करेगा, वो कट करेगा। ये कट करने के बाद कैसा दिखेगा वो भी मालूम हो जाएगा। पूरा टाइट कर पूरा। अभी देखिए ये कूलेंट का मैग्नेट जो है वो फिक्स हो गया है। अब ये कूलेंट के मैग्नेट का क्या काम होता है, कूलेंट के अंदर ऑलमोस्ट 70-75% से भी ज्यादा वो वाटर ही होता है। तो वो वाटर जो गर्म होता है तो उसका जो हार्डनेस बढ़ गया है, तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेवल पे मैग्नेटिक वाटर से काम करता है। जैसा हमारा बाकी इनोवेशन है ऐसा ये काम करता है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये जो कॉइल, आपका जो ये जो रेडिएटर कॉइल है, ये रेडिएटर कॉइल, ये जो अंदर कूलेंट है वो अच्छा ठंडा रहेगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। और उसकी वजह से आपका ये जो एसी का कॉइल है ना, वो एसी का कॉइल भी ठंडा होगा। और उसकी वजह से आपका जो अंदर जो आपका एयर कंडीशनिंग का जो गैस है वो अच्छे से अच्छा एफिशिएंटली काम करेगा। और उसकी वजह से एसी एफिशिएंटली चलता है। और उसके वजह से एसी में परफॉर्मेंस बढ़ने की वजह से माइनर 0.1% 0.2% आपको फ्यूल सेविंग मिलता है। तो ये काम है कूलेंट वाटर कंडीशनर का। ये हम लोग जो बाकी इनोवेशन करते हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका है। और ये हम लोग हर गाड़ी में फिट करके देते हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और लगाने के लिए भी बहुत सिंपल है।